एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद राजेंद्र सोनरा। आज मॉडल में हमने विल और शैल का प्रयोग देखेंगे। बड़े छोटे मॉडल है लेकिन है ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपने आज तक कई बार ऐसा नोटिस किया होगा कि आई विल, ही विल, दे विल ऐसा क्यों आता है जबकि हम टेंस पढ़ते हैं। जैसे आपने ये भी देखा होगा कि आई विल गो, ये होगा, या इसके अंदर क्या है मॉडल विल आएगा कि सेल आएगा, कि विल का प्रयोग करोगे कि सेल का प्रयोग करोगे। यहां पर विल भी हो सकता है और सेल भी हो सकता है। हमने जब टेंस का प्रयोग पढ़ा था उस समय ये पढ़ा था कि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होगा और रेस्ट ऑफ द डूअर्स प्रोनाउन के साथ, बाकी सब के साथ ही, सी, इट, दे और किसी का नेम होगा उसके साथ विल का प्रयोग होगा। ऐसा हमने पढ़ा था, देखा था। लेकिन कई बार हम ऐसा भी देख लें, आई विल गो देयर, आई विल डू दिस, तो आई के साथ विल क्यों आ रहा है? एंड दे शैल डू दिस, दे ही शैल, इस तरह से कोई भी जो सेंटेंस आता है तो ऐसा क्यों होता है कि हमने जब ये देख रखा था आई और विल के साथ वी के साथ सेल आएगा, बाकी के साथ जब विल आएगा तो इसके साथ अब यहां आई के साथ विल क्यों आ रहा है? ये आपको इसलिए बता देना चाहता हूं, जब आप एज ए टेंस, एज ए फ्यूचर बताने के लिए प्रयोग करते हैं किसी का, तब आएगा आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होगा। जब आप सिर्फ फ्यूचर बता रहे हो, जब आप सिर्फ फ्यूचर बता रहे हो, लेकिन जब आप मॉडल के रूप में प्रयोग कर रहे हो तब ये उल्टे हो जाते हैं। तब ये सॉरी, जब इसका प्रयोग ऐसे होगा ऐसे और इसके साथ ऐसे। मॉडल में आई वी के साथ विल आएगा, ही सी इट दे के साथ किसी के नाम के साथ सेल का प्रयोग होगा। ये चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, तो आप ये चीज समझ गए होंगे कि जब मॉडल का प्रयोग आप करोगे तब ये आई वी के साथ विल का प्रयोग हो सकता है। पहली बार पोलाइट रिक्वेस्ट जब करोगे ना आप, तब विल का प्रयोग, अब विल का प्रयोग होता कहां का है? सबसे पहले पोलाइट रिक्वेस्ट में होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट में तीन तरह के मॉडल का प्रयोग होता है, एक, दो और तीन। इसमें कुड भी होता है, इसमें वुड भी होता है और इसमें विल भी होता है। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इन दोनों में बहुत ज्यादा पोलाइट, ज्यादा रिक्वेस्ट होती है तब कुड, देन वुड। इसकी सीक्वेंस सबसे ज्यादा कुड में होती है। कुड के अंदर प्लीज लास्ट में होता है, वुड के अंदर प्लीज होता है, वो वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लीज होता है। ये आपको पहचान कर लेनी है। सेंटेंस के अंदर इंपॉर्टेंट तरीके से आते हैं, कुड यू लैंड मी योर फोन प्लीज, वुड यू प्लीज हेल्प मी, प्लीज पहले आ जाएगा। ये अंतर आप इसका कर लेना। और इसके अंदर जब नॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट हो तब इसका प्रयोग, कई बार इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट में विल यू हेल्प मी प्लीज, विल यू टेक मी प्लीज, इस तरह से का प्रयोग होंगे तब आप इसका प्रयोग करोगे। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के अंदर आप देखेंगे ये करेंगे। अब है विलिंगनेस, जब आती है विलिंगनेस, तो अगर आप विल का प्रयोग कब होगा विलिंगनेस में? जब अफर्मेटिव हो। सेंटेंस में आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर उसके अंदर विलिंगनेस का सेंस है तो आप ये देखेंगे वो सेंटेंस नेगेटिव होगा, इंटरोगेटिव होगा, तो विल का प्रयोग नहीं करना है आपको। सिर्फ अफर्मेटिव में प्रयोग करोगे विलिंगनेस का। जैसे आई विल ट्राई, आई विल ट्राई अगेन, यहां पर आई विल ट्राई अगेन, इफ यू विश, ये इफ यू विश, ये अगला, अगले की इच्छा है, तो ये आदमी है, ये दोबारा कोशिश करना चाहता है, इसकी विलिंग है, विल है इसका। इस स्थिति में अगर अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर विल का प्रयोग आएगा। देख, रिफ्यूजल, रिफ्यूजल का अगर होगा तो रिफ्यूजल तो नेगेटिव होगा ही, लेकिन रिफ्यूजल के अंदर आप विल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई वॉन्ट लिसन टू यू अनलेस यू टॉक सेंस, यदि आप सेंसफुल बातें नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा, ये रिफ्यूजल है। रिफ्यूजल में आप इसका प्रयोग करेंगे। आई वॉन्ट डू दैट, मैं ऐसा नहीं करता। आई विल नॉट अलाउ दिस हियर, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इट इज नॉट अलाउड हियर। बट अगर आपको मॉडल प्रयोग करना हो तो आई विल नॉट अलाउ,
आई विल नॉट लेट यू डू दिस हियर, इस तरह से आप जो भी रिफ्यूजल करते हो किसी को उसमें आप नेगेटिव में इसका प्रयोग करते हो और एग्रीमेंट में भी इसका करते हो। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, प्रॉमिस के अंदर आप करोगे तो आप देखोगे, आपको ये तो ध्यान रखना है, जैसे आई गिव यू ए बुक, अगर यहां मॉडल का प्रयोग करना है तो आप आई के साथ तो करोगे विल का प्रयोग, अगर यहां पर ही हो जाता तब आप क्या करोगे, सेल का प्रयोग करोगे, क्योंकि ये टेंस में तो ही के साथ विल आता है लेकिन मॉडल में सेल आएगा, यहां प्रॉमिस वायदा किया जा रहा है, आई विल डू इट विद इन दिस मंथ, वायदा किया जा रहा है, आई विल हेल्प यू नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली एंड ही प्रोमिस्ड मी दैट ही विल डू, इस तरह से करोगे तो ये वायदा जो किया जाता है उसमें भी विल का प्रयोग किया जाएगा। अब अगली चीज है थ्रेट, धमकी में, धमकी के अंदर मोस्टली सेल का प्रयोग किया जाता है, विल का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन बात वही है कि अगर आई के साथ धमकी का प्रयोग होता नहीं, इस बात को आप समझिए कि थ्रेट के अंदर आपको प्रयोग करना है तो सेल का प्रयोग करना है, हम सेल वाले मॉडल में पढ़ेंगे, होता इसमें भी एविल में, लेकिन ऐसा सेंटेंस बनता नहीं होता, कि उस थ्रेट ऐसा होता है कि आई खुद थ्रेट करने वाला होता है, जैसे ऑल द स्टूडेंट सेल डिपॉजिट देयर फीस लेटेस्ट बाय सो एंड सो डेट अदरवाइज दे शैल बी फाइंड, धमकी है ये, तो यहां पर आई का सेंटेंस बनता नहीं है, सेल में पढ़ेंगे अपन, तो ये पेंडिंग छोड़ते हैं, इसके अंदर डिटरमिनेशन दिखाओगे आप जहीं पर भी वहां इस तरह का सेंटेंस हो गया उसके अंदर भी आप ये करोगे। नोटिस एंड ऑर्डर में आई के साथ विल का प्रयोग, वी के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा, नोटिस जैसे निकालना था स्कूल में ऑफिस में जिस तरह का ऑर्डर होगा वो कमांड में, हैबिट और ऑब्स्टिनेट इंस्टेंट होता है, ऑब्स्टिनेट इंस्टेंट जिद्दी आग्रह, जैसे आप जिद कर लिख सर ऐसा नहीं प्लीज सर ऐसा आपको करना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू मी सपोर्ट सर, यू विल सपोर्ट मी सर, इस तरह से आप इंस्टेंस करते हो ना, जैसे आग्रह जिसमें जिद हो आग्रह में, उसके अंदर क्या होगा होगा, और एक होती हैबिट, हैबिट का मतलब जैसे किसी की आदत हो, जैसे बॉयज विल बी बॉयज, लड़के तो लड़के रहेंगे क्योंकि उनकी आदत है, आदत बताई जा रही है, सम गर्ल्स कम लेट, आदत है क्लास के अंदर या कहीं और जगह ये कहा है, सम गर्ल्स विल कम लेट यानी कि वो लेट ही आएंगे, ये उनकी आदत बताई जा रही है, इस तरह से। तो ये चीजें एक अब हमने सीखी है इसके अंदर, अब मैं आपको सेल के बारे में इसके बाद में अगले वाले मॉडल में बताऊंगा, उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटा सा मॉडल है और विल का प्रयोग समझ में आया होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना।